गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के टेडोफाइट के बारे में डिस्कस किया था। आज टेडोफाइट प्लांट्स में सोरस या सोराई के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सोरस इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणु दानियां जो है वो यदि एक संगठित समूह में या ग्रुप में उपस्थित होती हैं तो उस प्रकार बनी स्ट्रक्चर जो क्या कहलाती हैं, ये सोरस कहलाती हैं। तो यदि अपने फिलिकल्स ऑर्डर के मेंबर्स को देखें, फिलिकल्स ऑर्डर के मेंबर्स, फिलिकल्स ऑर्डर के मेंबर को देखें तो फिलिकल ऑर्डर के मेंबर्स में जो स्पोरेंजियम होती हैं यानी बीजाणु दानियां, ये बीजाणु दानियां सुसंगठित या वेल डेवलप्ड समूह के रूप में होती हैं, ग्रुप के रूप में होती हैं। सुसंगठित या वेल डेवलप्ड ग्रुप के रूप में होती हैं तो जिसे क्या कहा जाता है, सोरस कहा जाता है। और कई सारे सोरस आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सोराई का निर्माण करते हैं, सोराई। तो अपने ने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्न जो होती है, फर्न्स में जैसे अपने फर्न्स की पत्ती को देखें, ये मान लीजिए किसी फर्न की एक लीफ है और इस लीफ के मिडिल पार्ट में एक मिडरिप प्रेजेंट होती है, सिंगल मिडरिप, और इसमें लेटरल वेल्स एब्सेंट होती हैं। इस मिडरिप के दोनों ओर इस तरह की संरचनाएं उपस्थित होती हैं और इन संरचनाओं के अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं। तो ये जो संरचनाएं हैं ये संगठित रूप से कौन सी संरचनाएं हैं कि ये सभी के सभी स्पोरेंजियम का ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम का ग्रुप क्या कहलाता है, सोरस कहलाता है। तो ये सोरस जो है ये इस तरह से स्पोरोफिल पर प्रेजेंट होती है। ये क्या है, स्पोरोफिल, ये सोराई, ये मिडरिप और ये पिन्ना, अपन इसको कहते हैं लीफ का जो पिन्ना होता है वो पिन्ना हो गया। तो इस तरह की स्ट्रक्चर अपने देखते हैं। तो ये करीब करीब टेरिडोफाइट्स के अंदर उपस्थित होती हैं। अब टेरिडोफाइट में संरचना के आधार पर या परिवर्धन के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कितने प्रकार की सोराई या सोरस प्रेजेंट होती हैं, तो डेवलपमेंट या परिवर्धन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, सोराई या सोरस
तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला सिंपल चोरस, यानी सरल चोरस। दूसरा श्रेणीबद्ध, चोरस यानी ग्रेडेड चोरस। और तीसरा मिक्स्ड चोरस या मिश्रित। ये तीन प्रकार के सोराई या सोरस इसमें टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अपन वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट सिंपल सोरस। पहला पॉइंट सिंपल सोरस या सरल सोरस, इस प्रकार के सोरस में बीजाणु दानियां जो होती हैं वो सभी के सभी एक साथ परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं। तो ऑल स्पोरेंजियम सभी बीजाणु दानियां एक साथ मैच्योर या परिपक्व होती हैं। तो एक साथ सभी के सभी परिपक्व होती हैं। यदि अपने इसकी संरचना देखें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ओफियोग्लोसम ऑस्मुंडा बोट्रिकियम आदि इन प्लांट्स की अगर स्पोरेंजियम को देखें तो वो सभी के सभी स्पोरेंजियम जो सोराई के अंदर प्रेजेंट होती हैं या सोरस में प्रेजेंट होती हैं वो सभी एक साथ मैच्योर होती हैं। तो इस प्रकार की बीजाणु दानियां किस प्रकार की होगी? सिंपल सोरस के रूप में उपस्थित होगी। अपन इसका डायग्राम देखें तो ये इस प्रकार से हैं। या अपने इसको सीधा लीफ के रूप में वैसे भी बना सकते हैं कि अपने ने मान लीजिए ये लीफ का पिन्ना बना दिया और इसके अंदर
ये इस तरह की स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये स्पोरेंजियम जो वॉल होती है, ये स्पोरेंजियल वॉल हो गई, और इसके अंदर ये एक साथ जो है सोराई उपस्थित होती हैं और इसके अंदर स्पोर्स उपस्थित होते हैं। तो ये तो क्या हो गया सोरस, ये स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स हो गए। ये पिन्ना, लीफ का पिन्ना हो गया। तो ये इस प्रकार की जो सोरस है वो सिंपल सोरस के रूप में उपस्थित होती हैं, सिंपल सोरस। और ये ओफ्यूगुलसम, ओस्मुंडा और बोट्रिकियम आदि प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की सोरस उपस्थित होती है। अब अपन सेकेंड पॉइंट लेते हैं, दूसरा ग्रेडेड सोरस। यानी श्रेणीबद्ध सोरस, श्रेणीबद्ध श्रेणी यानी कंटिन्यू। अपने जो बीजाणु दानियां हैं, जैसे एक सोराई के अंदर या एक सोरस के अंदर बीजाणु दानियां हैं, वो दो ग्रुप के अंदर इस तरह से उपस्थित होगी कि जो ये पेरिफेरल या परिधीय भाग है जहां से ये लीफ के पिन्ना के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसके ये परिधीय भाग में यहां पे तो यंग स्पोरेंजियम उपस्थित होंगे, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इस सेंट्रल पार्ट के अंदर मैच्योर स्पोरेंजियम जो है वो उपस्थित होंगे। तो पहले यंग, फिर मैच्योर, फिर यंग, तो इस तरह से एक श्रेणी में सभी के सभी स्पोरेंजियम उपस्थित होती हैं, और इस प्रकार जो सोराई का निर्माण होता है उसे ग्रेडेट या श्रेणीबद्ध सोरस कहा जाता है। ये मार्सिलिया, साइथिया आदि प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की स्पोरेंजियम या सोरस उपस्थित होती हैं। इसका अपन डायग्राम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में तो क्या आ गया, एग्जाम्पल मार्सिलिया, साइथिया आदि। अब अपने ये मान लीजिए लीफ वाली पिन्ना वाला पार्ट रह गया, और ये इसके अंदर, क्योंकि आपने ये पढ़ा कि स्पोरेंजियम या सोरस जो है वो किसके द्वारा ढके होते हैं, पतली लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके द्वारा ढके होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंड्यूसियम कहा जाता है। ये इंड्यूसियम के द्वारा ढके हुए होते हैं, इस तरह की ये जो है
ये इमेच्योर या यंग स्पोरेंजियम होती हैं, और ये सेंटर वाली जो है वो मैच्योर स्पोरेंजियम होती हैं। अब अपन इसको देखें तो ये स्पोरेंजियम की वॉल हो गई, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम जैकेट कहते हैं। स्पोरेंजियम के जैकेट के अंदर की ओर क्या उपस्थित होता है, टेपिटम लेयर जो है वो उपस्थित होती है, जो कि पोषक परत के रूप में पाई जाती है। ये जो है वो लीफ वाला पिन्ना हो गया, और यहाँ पे ये वैस्कुलर स्ट्रैंड्स या अपने इसको प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। ये इसके कौन से पार्ट हो गए, इंडूसियम। और इसके अंदर सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू उपस्थित होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स जो है फिर आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये जो है यंग स्पोरेंजियम, ये जो है वो मैच्योर स्पोरेंजियम, और ये क्या हो जाएगा, इंडूसियम, और ये यहाँ पे ये स्पोरोफिल या लीफ का पिन्ना जो होता है वो होता है। तो इस तरह से अगर अपने जो ग्रेडेड सोरस को देखें तो ये संपूर्ण सोरस का पार्ट हो गया ये जो है, और ये संपूर्ण सोरस जो है इंडूसियम द्वारा घिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर जो स्पोरेंजियम होती हैं वो परिधीय भाग पर तो इमैच्योर या यंग होती हैं, और सेंट्रल पार्ट पर ये मैच्योर स्पोरेंजियम के रूप में उपस्थित होती हैं।
मार्सिलिया और साइथिया जैसे प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की स्पोरेंजियम या सोरस उपस्थित होती हैं। अब अपन तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, तीसरा मिक्स्ड सोरस। यानी मिश्रित सोरस, मिश्रित सोरस के अंदर क्या होगा कि जैसे ये यंग हो गई, यहां पे मैच्योर, फिर यंग, फिर मैच्योर, फिर मैच्योर, फिर यंग, फिर मैच्योर, फिर यंग या मैच्योर, इस तरह से बिखरी हुई या अनियमित संरचना के रूप में यदि स्पोरेंजियम उसमें उपस्थित होती है जिसमें कुछ यंग हो और कुछ मैच्योर हो, तो इस प्रकार की जो सोरस होती हैं उसे मिश्रित या मिक्स्ड सोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जो टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम आदि जो फर्न्स होती हैं, इन फर्न्स के अंदर इस प्रकार की सोरस प्रेजेंट होती है। अब अपने इसका डायग्राम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है हूबहू इसके जैसी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो अपने ने स्पोरेंजियम जो बनाई है वो स्पोरेंजियम बिखरी हुई अवस्था में या अनियमित रूप से उपस्थित होती हैं। जैसे अपने विभिन्न आयु वाली, जैसे ये अपरिपक्व, ये परिपक्व हो गई, फिर से ये अपरिपक्व, फिर से ये परिपक्व, ये परिपक्व, फिर ये अपरिपक्व, फिर ये परिपक्व, ये अपरिपक्व, तो इस प्रकार की स्पोरेंजियम इसमें उपस्थित होती हैं। तो यदि अपन इसको देखें देखिए इसमें ये इसकी स्पोरेंजियल जैकेट होगी, और ये इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू बना देते हैं अपन। और स्पोरोजिनस के चारों ओर क्या उपस्थित होता है, ये टेपेटम प्रेजेंट होती है। और इसके सेंटर में जो है वो स्पोर्स उपस्थित होते हैं। जो कि टेट्रास्पोर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो क्या हो जाएगी, यंग स्पोरेंजियम, ये जो है ये मैच्योर स्पोरेंजियम, और ये इंड्यूसियम, ये स्पोरोफिल। तो इस तरह से जो अनियमित विभिन्न आयु वाली
जो स्पोरेंजियम है वो अनियमित रूप से इसमें बिखरे हुए रहती हैं, तो इस प्रकार की जो सोरस होती हैं वो मिक्स्ड सोरस कहलाती हैं। तो अपने ने सोरस के बारे में डिस्कस किया और इसमें तीन प्रकार की सोरस होती हैं, सिंपल सोरस, श्रेणीबद्ध सोरस और मिश्रित सोरस। सिंपल सोरस के अंदर सभी बीजाणुधानियाँ एक साथ परिपक्व होती हैं और डेडेड सोरस के अंदर जो है परिधीय भाग पर यंग स्पोरेंजियम और सेंट्रल पार्ट पर मैच्योर स्पोरेंजियम होती हैं, जबकि मिक्स्ड सोरस के अंदर जो है विभिन्न आयु वाली, विभिन्न एज वाली जो स्पोरेंजियम है वो बीच बीच में उपस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार अपने ने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम यानी स्पोरेंजियम की संरचना के बारे में। टेरिडोफाइट के अंदर जो बीजाणुधानी है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा में बीजाणुदानी की संरचना, बीजाणुदानी की संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स के अंदर जो बीजाणुदानियां बनती हैं वो बीजाणुदानियां गोल हो सकती हैं, गोल, अर्धचंद्राकार या चतुष्कोणीय। गोल, अर्धचंद्राकार या चतुष्कोणीय बीजाणुदानियां हो सकती हैं। ये बीजाणुदानियां सेवरंत या एवरंत हो सकती हैं। एवरंत यानी स्टाक्ड या सेसाइल, दोनों फॉर्म में किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। इसके अलावा ये बीजाणुदानियां जो है एक या दो स्तरों के द्वारा घिरी होती हैं, एक या दो स्तरीय जैकेट द्वारा घिरी होती हैं, जैकेट द्वारा घिरी होती हैं और जैकेट की भीतरी परत जो होती हैं, जैकेट की इनर लेयर या भीतरी परत जो होती है वो टेपेटम द्वारा बनी होती है। यह जो टेपेटम है ये न्यूट्रिशनल लेवल लेयर के रूप में या पोषक लेयर के रूप में, पोषक परत के रूप में उपस्थित होती है, जो कि विकसित हो रहे बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और स्पोरेंजियम के परिपक्व होने पर ये नष्ट हो जाती हैं, तो अपने ने बात की बीजाणुदानी की। बीजाणुदानियां गोल गोलाकार संरचना में होती हैं या बीजाणुदानियां अर्धचंद्राकार संरचना में होती हैं या बीजाणुदानियां चतुष्कोणीय होती हैं। और इन बीजाणुदानियों के जो या तो छोटा व्रंत होता है या ये एव्रंत होती हैं। इसके अलावा प्रत्येक बीजाणुदानी जो है एक या दो स्तरों द्वारा घिरी होती है, इन स्तरों को जैकेट कहते हैं और जैकेट की जो भीतरी परत होती है वो टेपिटम परत के रूप में पाई जाती हैं। टेपिटम बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको पोषक परत कहा जाता है और परिपक्व बीजाणुधानियों के अंदर ये टेपिटम नष्ट हो जाती है। अब अपने बात करें कि जो बीजाणुधानियां हैं इसमें बीजाणु जो बनते हैं वो बीजाणु समान आकार के होते हैं या दो भिन्न आकार के होते हैं। तो बीजाणुओं के प्रकार के आधार पर बीजाणु प्रकार
के आधार पर टेरिडोफाइट जो है दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और दूसरा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमोस्पोरस यानी समबीजाणुक टेरिडोफाइटा और ये विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटा। समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स के अंदर सभी बीजाणु जो है बीजाणुदानी के अंदर वो समान होते हैं, जितने भी बीजाणुदानी के अंदर बीजाणु बनेंगे वो सभी के सभी एक जैसी आकृति वाले होंगे, चाहे वो मेगास्पोर हो चाहे वो माइक्रोस्पोर हो। लेकिन अपने इसकी संरचना के रूप में सबसे पहले देखें कि होमोस्पोरस स्पोरेंजियम, तो इसकी संरचना ये टेपिटम लेयर हो गई और इसके अंदर जो बीजाणु उपस्थित होते हैं वो इस तरह से टेट्रास्पोर सभी के सभी एक जैसे होते हैं। तो ये तो क्या हो गई जैकेट, ये टेपिटम लेयर, और ये टेट्रास्पोर, और ये स्टाक, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम। या होमोस्पोरस स्पोरेंजियम, होमोस्पोरस स्पोरेंजियम। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम साइलोटम इक्विसिटम आदि इन प्लांट्स के अंदर
जो स्पोरेंजियम बनती है उसमें सभी स्पोर्स समान होते हैं, तो होमोस्पोरस स्पोरेंजियम इनमें पाई जाती हैं। दूसरी अपन बात करें हेटरोस्पोरस स्पोरेंजियम, तो उसमें जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों प्रकार के बीजाणु बनेंगे, तो लघु बीजाणुओं की संरचना तो इस प्रकार से स्पोरेंजियम की बन जाएगी, लेकिन जो गुरु बीजाणु है उसमें बीजाणुदानी जो है वो इस प्रकार से चतुष्कोणीय संरचना के रूप में उसमें बीजाणुदानी उपस्थित होती है। ये इस प्रकार से बीजाणुदानी की संरचना जो है वो होती है। अब इसमें अपन स्पोर्स को बनाएं, तो इस प्रकार से इसमें गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं। और वैसे ही इसके अंदर टेपिटम लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्या हो जाएंगे, मेगास्पोर, ये जैकेट और ये टेपिटम, ये स्टाक और ये स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम गुरु बीजाणुदानी की संरचना हो गई। तो एग्जाम्पल के रूप में सिलेजिनेला मार्सिलिया आदि प्लांट्स के अंदर सिलेजिनेला मार्सिलिया या एजोला आदि प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की गुरु बीजाणुदानी और लघु बीजाणुदानियाँ जो है, बीजाणुदानी दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें गुरु बीजाणुदानी में गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज अपने ने टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट सोरस, विभिन्न प्रकार की सोरस के बारे में डिस्कस किया, साथ ही बीजाणुदानी की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है, तो बीजाणुओं के आधार पर इसमें बीजाणुदानी की संरचना के बारे में भी डिस्कस किया।